क्या भाई मुझे मिस नहीं करोगे क्या तुम? याद आएंगे ये पल। The journey has been full of ups and downs. Elder Ahilya is obviously more experienced and more mature than the younger one. नोट बुक खंडर है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज ना ये वीडियो शुरुआत ही वहीं से करते हैं जो कि एक काफी इमोशनल और स्पेशल डे है, बिकॉज मे बी, जस्ट मे बी, टुडे इज द लास्ट डे व्हेन गुनो जी एंड तुकु जी, विच मीन्स सिद्धार्थ, मी एंड हर्ष आर शूटिंग टुगेदर, क्योंकि बिकॉज एक पीप आने वाला है बहुत जल्द, तो उसकी वजह से गुनो जी का कैरेक्टर जो है वो कोई और किरदार निभाएगा, कोई और एक्टर निभाएगा, सॉरी। एंड इट्स, यू नो हाउ इट इज, लाइक वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेट। तो चलिए मिलते हैं गुनो जी से, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। व्हाट्स अप? जो भी निर्णय लेना होगा। हे व्हाट्स अप भाई, तो मैंने ऑडियंस को बता चुका है कि आज शायद, बैठो, हैव अ सीट, हैव अ सीट गुनो, शो योर फेस टू द ऑडियंस एंड देन ओनली वी कैन स्टार्ट। एक सेकंड, मैं थोड़ा डिस्कस कर। या तो आज हो सकता है कि आखिरी बार हम लोग एक सीन शूट कर रहे हो साथ में, एंड इट्स बिन लाइक, हमारे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि हम रो रहे हैं अभी थोड़े शुरुआत, थोड़े, अभी शुरुआत हुई है ना, आई थिंक आंसू वो भी बाहर आने शुरू होंगे। 10 महीने, आई थिंक 10.5 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। नहीं, वैसे पता तो चला पता तो चला, बिल्कुल पता चला, लेकिन बट आई मीन दिस वॉज समथिंग दैट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट ऑब्वियसली, क्योंकि शायद गुनो विल शूट फॉर अ बिट लॉन्गर, लेकिन मैं अपने फिल्म के शूट के लिए निकल रहा हूँ ऑन 23rd, और जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक शायद गुरु जी विल नॉट बी इन द शो। मैं भी रहूँगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ, वील कीप दिस फॉर लेटर। अगर मैं रहा तो मैं ये पार्ट एडिट कर दूंगा, वरना ये पार्ट रख दूंगा वीडियो में। तो गुनो, व्हाट व्हाट यू हैव टू से? भैया मेकअप आप शुरू कर दीजिए दादा, आपका मेकअप भी पहले मेरा, पहले मेरा कर देते हैं। पहले कौन जाने वाला है? आप जाने वाले हो ना? पहले मैं जाने वाला हूँ, तो आपका मेकअप पहले, तो मेरा मेकअप पहले होगा। एंड अच्छी बात यह है कि इफ दिस हैपेंस टू बी द लास्ट सीन, देन आई थिंक इट्स अ गुड सीन, मतलब एक अच्छा सीन है जिसमें गुणु जी एंड तुको जी काफी अपने एलिमेंट्स में हैं। एंड एज यू गाइज मस्ट हैव नोटिस कि तुको जी का एक दूसरा शेड अभी बाहर निकल रहा है, व्हेन ही वांट्स अ लिटिल बिट ऑफ, व्हाट कैन आई से, अधिकार। तो गुणु जी उसके उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? रिप्रेस्ड इमोशंस बाहर निकल रहे हैं बेसिकली, इतने सालों से रखमा भाई और जो भी है इनके, लाइक इनके सपोर्टर्स, लाइक हु वांट्स हिम टू बी ऑन द थ्रोन, उनकी जो बातें हैं वो धीरे धीरे, वो इमोशंस इनके अंदर से बाहर निकल रहे हैं, तुको जी के अंदर से। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो, जैसे अभी एक बार हम लोग, चलो सीन पढ़ लेते हैं, लेट्स लेट्स हैव अ रीडिंग ऑफ द सीन। एंटर कट इन खंडेराव रूम, वी स्टार्ट द सीन मिडवे। गोनो जी इज टेलिंग खंडेराव, गोनो जी, खंडेराव, अहिल्या का नया कानून मालवा में आक्रोश और अशांति फैला देगा। हमारी परंपरा में पति को परमेश्वर मानते हैं। मैच कट टू टुको जी सेइंग इन हिज आर्गुमेंट दैट, एंड गोनो जी सेज, तो कानून है ना उस दानव को सजा देने के लिए। पति पत्नी के अनमोल रिश्ते में अगर पत्नी पीड़ित हो तो वो गृहस्थी कभी सुखी रह ही नहीं सकती। तो कुछ इससे खंडेराव, हमारा सुझाव है कि आपको इस नए कानून के मसौदे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। शॉर्ट रेडी है। गोनो जी गेट्स अर्थ एंड सेज, गोनो जी, तुको जी आपने अपना सुझाव रख दिया, तो अब आप दखलअंदाजी करके खंडेराव पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? बेहतर होगा आप इस मामले में चुप रहें। वैसे खंडेराव और हम निर्णयदाता अधिकारी हैं, जो भी निर्णय लेना होगा हम आपस में बात करके ले लेंगे। तो कुछ ही लुक्स एक्सट्रीमली हर्ट, एंड खंडेराव इज ऑल्सो स्टार्टल्ड, एंड खंडेराव सेज, गुनो जी भाऊजी, आप तो कुछ ही भाऊजी से ऐसे कैसे? जस्ट देन तो कुछ ही रेजेस हिज हैंड टू स्टॉप खंडेराव एंड सेज टू गुनो जी, निर्णय लेने का अधिकार भले ही हमारे पास ना हो गुरु जी सरदार, लेकिन राय और सुझाव देने का अधिकार हम भी रखते हैं। हम प्राधिकरण के धनी ना हों, लेकिन खंडेराव के हित और भलाई की कामना हम भी रखते हैं।
leaves the room before Khanderao can say another word, and we stay on his hurt face as he's walking. And the words, do decision making authorities like do 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 do. हाँ, do. अच्छा दो हाँ दो हम दोनों right. दो decision making authorities reverbing on him. The journey has been full of ups and downs. Yes, full of ups and downs, full of adventures, full of learning, like, you know, pressure, मैं कह सकता हूँ, pressure रहा है मेरे पे to perform a character that is way above my, like, you know, what demands from me at my age. जो तीन चीजें तुम miss करोगे set पे वो क्या होंगी बताओ? एक तो है संजीव जी के फोन. संजीव जी अपना आपको दिखा दो, हमारे शेड्यूलर कम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, बाकी और क्या भाई, मुझे मिस नहीं करोगे क्या तुम? क्या ये क्या है? आप तो बाद में आए ना. अच्छा मैं तो शुरू से रहा हूँ शो में. तुम बाद में आओ तो मुझे मिस नहीं करोगे शो में ऐसा? हाँ, यू नो, जस्ट लाइक वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स हु एंटर्ड आफ्टर मी कैमियोस. या आई एम लाइक कि ठीक है, मतलब तो गोजी हैं, थे एक अच्छा, ठीक है, ये तो कंटिन्यूस रहेंगे अभी. इफ आई टेल यू कि कंपेयर करना तुम्हें छोटी अहिल्या और बड़ी अहिल्या में, तो तुम्हें बेटर कौन लगता था? बेटर दोनों के अलग अलग, ये सब नहीं बोलना है. अब जा रहे हो तुम, आप किसी को जवाब, किसी को, यू डोंट हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, यू आर गोइंग. सो अहिल्या इज द एल्डर, अहिल्या इज ऑब्वियसली मोर एक्सपीरियंस्ड एंड मोर मैच्योर देन द यंगर वन. सो शी इज, आई कंसीडर हर टू बी अ बेटर परफॉर्मर देन आदित्य. Can I say none? No. No? Yeah, this has to make it on YouTube, so you have to give an answer. I really want to say none. Why? Because there are many things that both of them can pull off, like in both of them didn't. So it's as simple as that. I didn't feel too great about either of those. So yeah. Okay. So तो कोई जितना पूछूंगा ही नहीं, कोई point नहीं. कोई point ही नहीं. What about Harku? I think Sanika, the new Harku, has uplifted the character of Harku bhai more than Srijana, I would say. तो देखो मेरे हिसाब से तो at least the best part that I feel is that you're going with a bang. कि अगर मैं तो बोलूँगा पिछले एक महीने से तो the entire show has been around your character, which gave you so much to perform also. ना तो it's good, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अभी मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही आधे वीडियो में, बहुत अलग है. बट going with a bang अगर बना था phrase किसी चीज़ के लिए तो it was for Bunoji's character. तो अब हम लोग फाइनली नाश्ता कर सकते हैं, जो कि है दाबेली एंड स्प्राउट्स एंड ये क्या बोलते हैं इसको, मीठी बूंदी. बट हरकू को अभी सीन के लिए बुला लिया जाएगा. क्यों? क्योंकि अगला सीन तुम्हारा ही है. 5 मिनट बुलाया, देखो भाई सुबह की शिफ्ट नहीं है कि 7 बजे ब्रेक होगा. कैसी लग रही है दाबेली? Guys, मुझे पूछ रहे हो? हाँ. बहुत बुरी है. मुझे तो अच्छी लग रही है. तुम्हें क्या करना है? अरे मुझे ये चाहिए. हरकू, तुम्हें क्या नहीं अच्छा लगता? तुम्हारे सामने जो भी रख दो तुम खा लेते हो. I try to have a positive outlook. Only towards. Underline try to. Only towards food. अच्छा हरकू ये बताओ, तुम पर zoom करता हूँ. Zoom. ये बताओ कि गुणो जी ए के हर्ष जोशी बहुत अच्छा कर रहा है. वो ये फिर से बोल रहे हैं, लिया नहीं मैंने. बोलना. बहुत अच्छा कर रहा है, सारे सीन्स बहुत अच्छे कर रहे हैं. लेकिन इतना अच्छा कर रहा है कि वो सीरियसली 2 हफ्ते बाद एवरी टाइम जो दरबार वाला सीन था, लेके जाओ इसको गोमती को, मतलब एक पॉइंट मैंने ये भी सोचा कि हमारे साथ इतना टाइम पास करने आता है और फिर वहां जाके इतना अच्छा सीन भी देता है. गुड, यही चीजें याद आएंगी. गुड,
एंड हर्ष इज लीविंग द शो सून, तो उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? हंस रही हो तुम? अच्छा, मतलब ये तब आएगा जब तक वो जा चुका होगा. हर्ष दिस विल बी मिस्ड. दिस वो अपना चेहरा दिखा लेता हूँ मैं. अब बोलो दिस विल बी मिस्ड. दिस विल बी मिस्ड. ये एक प्लेट एक प्लेट शेयर कर करके खाना, ये हर्ष का लेट आना, ये सानिका का सो जाना, ये मेरा डायलॉग्स भूल जाना, डायलॉग्स ना बोल पाना. याद आएगा मुझे जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ. याद आएंगे ये पल. लाइट से सामने ले. याद आएंगे पल. Well, it's already 3:20 PM. मुझे बुलाया जा रहा है. एक और सीन है गांव के लोगों को वापस कन्विंस करना है, समझाना है as usual. And Tukoji doesn't do a lot of the talking. Tukoji is the person who's usually just agreeing with what Ahilya says. So पहिला हा वेगळा कट आपण बहुत